में फैलते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने निशाना साधा और सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बिहार में कोरोना की स्थिति भयानक हो चुकी है। कोरोना के कोहराम से बिहार की जनता कराह रही है। कोरोना का जो दूसरा लहर आया है, ये कहर बरपा रहा है। सरकार का पूरा हेल्थ व्यवस्था चरमरा गया है। सरकार का सिस्टम ही पूरा संक्रमित है। सरकार आम लोगों को कैसे राहत देगी? अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर। बिहार में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार भी एक्टिव मोड में काम कर रही है। सुबह के तमाम जिलों में लोगों को कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर की स्थिति भी कोरोना से बदहाल है। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सदर अस्पताल में कोरोना की जांच की जा रही है, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आप साफ देख सकते हैं कि लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। वहीं इस बारे में जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने कहा कि जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सूचना ही मिली है और इसको लेकर के SDM को निर्देश दिया गया है कि इसका सतत मॉनिटरिंग करें और जांच प्रतिवेदन भी जिलाधिकारी को सौंपें। अगर ऐसी बात यदि आती है तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मास्क पहनो अभियान को मूर्त रूप देने की कवायद हो रही है और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं लोगों में।